मध्यम स्वागत करता हूं आप सभी का मोस्ट एनआईसीटी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आप सभी को बताएंगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के बारे में कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखने वाले फंक्शंस होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका काम क्या होता है। हालांकि आप सभी लोग अपने घर पे अपनी पीसी यूज कर रहे होंगे, डेस्कटॉप यूज करते हैं, बहुत सारे लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो यूज करते समय हम यूज तो करते हैं बट यदि हमने किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी संस्थान में पढ़ाई नहीं की हुई है तो हमको फंक्शंस के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। हमको केवल इतना पता होता है कि इससे क्या हो रहा है, बस इतना हमको पता होता है। हम उन सभी के बारे में अभी डिटेल्स बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में जो विंडोज 7 की वीडियो बनी हुई थी उसमें मैंने एक मॉनिटर का वो बनाया था, फिगर बनाया था, और उसमें मैंने आपको शॉर्ट में समझाया हुआ था कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। आज मैं उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस चीज का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज टॉपिक हमारी विंडोज 7 की जो फंक्शंस होते हैं, जब हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन खुलती है, स्क्रीन खुलने के बाद में मॉनिटर पे जो फर्स्ट टाइम हमको दिखता है वो क्या दिखता है। तो सबसे पहली चीज होती है डेस्कटॉप फंक्शन हमें दिखता है। इस डेस्कटॉप फंक्शन के अंतर्गत आने वाले ये मैंने आज चार हेडिंग लिए हुए हैं और इन्हीं चार हेडिंग को मैं ये कंसेप्ट करूंगा आपके बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ देखिए हमारे मार्कर को, ये है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो दोस्तों डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है? दोस्तों डेस्कटॉप बैकग्राउंड एक ऐसा वो होता है, फिगर होता है, जो आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर के नाम से स्मार्टफोन में वॉलपेपर लगाते हैं, सेम उसी तरह अपने लैपटॉप में अपने डेस्कटॉप में आप भी एक वॉलपेपर लगा सकते हैं, या उसका बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने पीसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का फोटो रखे हो तो वहां पे लगा सकते हैं, जो आपकी पूरी स्क्रीन को कवर करता है और आपको स्क्रीन को आपको सुंदर बनाता है। तो ये होता है आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको जानकारियां नहीं होती है वो कंप्यूटर का वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। तो चलिए अगला बताते हैं हम आपको। आगे की हमारे ऑप्शंस हैं आइकॉन। आइकॉन क्या होता है? आपने देखा होगा, आइकॉन को आपने देखा है बट आप जानते नहीं है कि आइकन है क्या, आइकन कहाँ पे होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो आइकन क्या होता है? जो हमारा आइकन होता है वो किसी भी प्रकार की जो ग्राफिकल इमेज होती है, वो छोटी छोटी आपके डेस्कटॉप के जो भी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम दिख रही होती है, चाहे वो रिसाइकिल बिन हो, चाहे वो माई कंप्यूटर हो, या किसी भी प्रकार का फाइल फोल्डर बना हो, तो वो सारी चीजें जो हमें स्मॉलेस्ट ग्राफिकल इमेज दिखते हैं उन्हीं को हम आइकन बोलते हैं। और उन आइकन पे ही क्लिक करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं, उन पे क्लिक करके उन्हें रिनेमिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी तमाम प्रकार की चीजें कॉपी भी कर सकते हैं, उसको कट भी कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की चीजें हम उससे कर सकते हैं, उनको बोला जाता है आइकन, जो छोटे छोटे इमेजेस के रूप में आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होते रहते हैं। और अगली चीज क्या होती है? माउस का पॉइंटर, यानी माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है? आपने माउस यूज किया होगा अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, तो माउस आप यूज करते हैं, जो माउस का जो पॉइंटर, जो तीर का निशान आपके डेस्कटॉप पे चलता रहता है, यानी आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे जो चलता रहता है, उसी को हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। और उस माउस पॉइंटर का काम क्या होता है? आप उस माउस पॉइंटर का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की रिनेमिंग कर सकते हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं, हाइबरनेट भी कर सकते हैं, स्लीप मोड कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू में जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ फंक्शंस आप अपने माउस पॉइंटर के जरिए एक सेंसिबल रूप से कर सकते हैं। जो तीर का निशान आपके डेस्कटॉप पे दिखता है उसे ही हम माउस पॉइंटर कहते हैं, और कंट्रोल पैनल में जाके हम उसको फास्ट स्लो भी कर सकते हैं, उस आइकन के जो लेआउट होती है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका माउस पॉइंटर। और अगली चीज होती है आपका टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार एरिया के बारे में मैंने कल आपको शॉर्ट में बताया था पिछली वाली वीडियो में, बट ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। टास्क बार होता क्या चीज है? टास्क बार एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपके किसी भी प्रकार की, चाहे वो फाइल खुली हो या फोल्डर्स खुली हो, या आप नेट पे ब्राउजर के द्वारा सर्फिंग कर रहे हो, वो सारी चीजें आपकी टास्क बार एरिया में खुली होती हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, चाहे वो कोई भी सा सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आप नेट पे सर्फिंग कर रहे हो, तो उसका जो टास्क बार एरिया में उसका जो फिगर है वो शो होता रहता है और हाइलाइटेड रहता है, जो स्टार्ट मेनू के ठीक राइट साइड से लेकर के आपकी जो नोटिफिकेशन एरिया होती है वहां तक पूरा का पूरा एरिया का टास्क बार एरिया होता है। उस टास्क बार एरिया में जो भी टास्क आप अपने कंप्यूटर पे दे रहे होते हैं उस एरिया में शो होता रहता है। तो दोस्तों आगे की और क्लासेस
आगे की और भी हेडिंग्स हैं, मैं उनको अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।